बेमौसम बारिश ने यूपी में भी किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। गेहूं, आलू, सरसों, गेहूं और मटर जैसी सब्जियां तो बुरी तरह से चौपट हो ही गई हैं। इसके साथ तेज हवा चलने से गन्ने की फसल भी कहीं कहीं गिर गई है। आपके सामने स्क्रीन पर लखीमपुर खीरी, जालौन और संभल की तस्वीरें हैं। संभल में आलू और प्याज की खेती करने वालों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। इसके अलावा गेहूं की खेती पर भी बुरा असर पड़ा है। खेतों में पानी भर गया है, इससे जिन खेतों में बुआई हो चुकी है उनमें जमाव नहीं हो पाएगा। वहीं मिट्टी में ज्यादा नमी के चलते किसानों को आगे गेहूं की बुआई करने में भी देरी होगी। 1000 रुपए का बीज लाया हूँ, वो भी नादार्द हो गया सब। और बारिश होने के कारण बहुत गन्ना भी लौट गया, लाही फूल भी आते थे उसमें, फूल भी डाले सब झड़ गया। और देखो सब पानी भरा हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, इस कारण जो है ये देखिए गन्ना जो है हमारे यहाँ सब लौट गया है और जो फूल पे लाही थी वो भी खराब हो गई है। क्या क्या फसलों को नुकसान है? सब कुछ नुकसान है साहब, आलू को भी, प्याज को भी, सब चीज़ों को नुकसान नुकसान है। आलू को ज़्यादा नुकसान है। तो पानी भर गया खेत में? पानी भर गया, सब गल जाएंगे, बेकार हो गए। तो क्या फसल लगा रखी है? ज़्यादा लगा रखी है 50-60 बीघे, तो बहुत भारी नुकसान है हमें। ओला और पानी, बारिश ज़्यादा हो गई है, पानी में तैर रही है प्याज हमारी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो 60 बीघा आलू लगा रखे हैं सर, पानी पानी हो रहा है। गरीब आदमी मोल लेकर मुझ पर जमीन रख रखी है, लगानों पर जमीन रख ले रखी है, समय पानी पानी हो, कहीं पानी का निकास नहीं है। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर JPS डब्बास जी। डब्बास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट, किस तरह से किसान परेशान हैं, उनकी आलू की, सरसों, गेहूं, मटर, ये तमाम फसलें खराब हो गई हैं। अब ये बताइए कि किस तरह के करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो बेमौसम की बारिश हुई है उसका कुछ नुकसान काफी हुआ है, जो ज्यादा नुकसान हुआ वो ओलावृष्टि की वजह से ज्यादा हुआ है। बारिश का नुकसान तो फिर भी कंपनसेट हो सकता है, लेकिन ओलावृष्टि का जो नुकसान हुआ है उसका कमी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जो फसलों में 2-3 किस्म के नुकसान है, जो आलू की फसल के अगर हम बात करते हैं तो आलू की फसल की बुआई शुरू हो जाती है सितंबर के महीने से, प्रथम सप्ताह से, तो वो फसल जो इस समय तैयार है, खुदाई भी हो रही होगी और आ भी रही है बाजार के अंदर। लेकिन अधिकतर आलू की बुआई अक्टूबर के महीने में होती है। जो अक्टूबर वाली फसल है वो लगभग 55-60 दिन के करीब है। इस फसल में अगर जहां ओलावृष्टि हुई है तो आलू की फसल में पूर्णतः नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना है, और इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं हो सकता। जो लेट जो आलू लेट लगा है, यानी कि दिसंबर में बुआ है या नवंबर के लास्ट में बुआ है जी, उस फसल में कुछ संभावना है कि आलू ठीक हो सकता है और बेटर हो सकता है। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, पानी भरा है तो पानी की तो जल निकासी किसान को इमीडिएटली करनी चाहिए, क्योंकि जल निकासी के बगैर ये चीजें संभव नहीं है, जल निकासी का प्रबंध उसको करना चाहिए। डब्बास जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरह से किसानों को नुकसान हुआ है, अब जो नुकसान हुआ उसका पूर्वानुमान तो ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है, मगर अब जो किसान है वो इस स्थिति में किन चीजों पर ध्यान दे? आपने जैसे बोला कि कुछ फसलें ऐसी हैं, कुछ बाकी जो 20-25% फसल है जिसको बचाया जा सकता है, उसमें किस तरह की दवा का इस्तेमाल किया जाए और क्या वो त्वरित कदम हो जिससे फसल बच जाए? देखो, सबसे पहला जो कदम है वो यही है कि जहाँ पे जल भरा हुआ है उसकी जल निकासी करना बहुत ही जरूरी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे जैसे आलू की फसल है उसमें जैसे तापमान बढ़ेगा, और क्योंकि नमी काफी है मौसम के अंदर, तो नमी और तापमान जब दोनों में इसको बेल खाएंगे तो लेट ब्लाइट एक ऐसी है बीमारी है, जिसको पिछेता जुड़ता बोलते हैं, जिसमें आलू में आने की संभावना है जी। तो उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है, जैसे ही मौसम अनुकूल तो आपको दवाई स्प्रे करनी है। और इसके लिए आप या तो किसान कॉल सेंटर के संपर्क में रहें या CPRI का हमारे मोदीपुर में सेंटर के संपर्क में रहें, अन्यथा मैनको जैब एक दवाई है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से डाली जाएगी और ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, तो जहाँ पे पौधे पे गिरेगी उस बाग पे बीमारी को नहीं आने देगी, लेकिन जो बीमारी आ चुकी होगी उसको ये रोकने में सक्षम नहीं होगी। तो उसके लिए आपको एक दूसरी स्प्रे भी कर सकते हैं, दूसरी स्प्रे के लिए आपको जो दवाई डालनी है तो ये साइमोक्सिनिल डाल सकते हैं, उसका जो 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डालनी होगी, ये सिस्टेमिक है और ये उसको कंट्रोल करने में सहायक होगी। अब जहां तक गेहूं की बात है, गेहूं की फसल में जो नुकसान हुआ है कुछ तो नुकसान होगा, लेकिन अब गेहूं को नुकसान कम हो सकता है,
बेसरते हम उसका ध्यान रखें, सबसे पहले जल निकासी करें, दूसरी बात जैसे ही गेहूं बनकर आए और जब उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता हो तो उसमें नाइट्रोजन खाद उसको दिया जाना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ में क्योंकि खरपतवार नाशी भी का भी प्रयोग होना है तो उसका भी आप सही समय पे सही मात्रा में प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आप गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार ले पाएं। और बाद में इसका जल प्रबंधन करना अन्य आवश्यक है। सरसों की फसल में जहां ओले का वृष्टि से नुकसान हुआ उसको तो भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन जहां पानी भरा हुआ है लेकिन पानी से उतना नुकसान नहीं होगा अगर हम उसकी जल निकासी कर देते हैं। और सरसों की फसल भी जो हमारे पास लगभग 50-55 दिन की, उसमें अगर हल्की सी नाइट्रोजन की आवश्यकता हो तो दी जा सकती है, तो उसका ध्यान रख सकते हैं। बाकी जहाँ पे सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उनमें आपकी फसलें बेटर हो जाएंगी। और जो खेतों में गेहूं की अगर हम बुआई नहीं कर सकते तो कम से कम जौ की बुआई कर सकते हैं। जौ एक ऐसी फसल है जो कुछ लेट बोने पर भी अच्छी पैदावार दे देता है, और जो गेहूं की अभी बुआई कर रहे हैं उनको उन्हीं किस्मों की बुआई करना है जो कि लेट क्षति के लिए अनुमोदित है। जैसे कि पूसा संस्थान की एक है HD3059, इनके 3059 है। इसके अलावा पूसा की WR544 एक ऐसी वैरायटी है जिसको हम जनवरी मध्य जनवरी तक भी लगा सकते हैं और वो अच्छी पैदावार देती है, उसका खाने में भी अच्छा है, उस गेहूं की भी लगा सकते हैं। इसके अलावा 3365 राजस्थान की वैरायटी प्रयोग किया जा सकता है। PAW की 373 भी है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो हमें केवल उन्हीं किस्मों का प्रयोग करना है, और जब बुआई करें तो हम इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम जैविक खादों का भी प्रयोग करें, यानी कि जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं तो उसको जमाव अच्छा होता है और आपको फसल भी अच्छी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जहाँ तक संभव बुआई लाइन में और इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो किसानों को कुछ हद तक इसके नुकसान की भरपाई हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी।